श्री राम। आदरणीय निफ्यू रियो जी, मुख्यमंत्री नागालैंड, हम अभी दीमापुर एयरपोर्ट पर आपके प्रदेश में आए हैं और जैसा कि आपको पहले से ही पता है कि हम ये गौ प्रतिष्ठा ध्वज यात्रा पूरे भारत में निकाल रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है इस यात्रा के निकालने के पीछे कि गाय के बारे में एक राय पूरे देश की बना दी जाए। जहाँ जहाँ अगर किसी तरह की कोई समस्या है तो चर्चा करके उसमें क्या रास्ता निकल सकता है, वो रास्ता निकाल करके सबको एक विचार का कर दिया जाए ताकि ये जो रोज की लड़ाई झगड़े पूरे देश में हो रहे हैं ये बंद हो जाए और लोगों का आपस में मेलजोल हो जाए, अच्छा वातावरण बन जाए। किसी प्रकार की किसी के साथ जोर जबरदस्ती करने के लिए हम नहीं निकले हैं, बल्कि उनके साथ बैठ करके संवाद स्थापित करने के लिए, उनकी समस्या सुनने के लिए और अपनी भावना बताने के लिए, और फिर दोनों के बीच में क्या रास्ता निकलेगा इसका रास्ता निकालने के लिए हम निकले हुए हैं। लेकिन अभी हम जब दीमापुर एयरपोर्ट पर आए हैं और अंदर कोहिमा आ रहे थे ताकि हम वहाँ आकर के वहाँ के लोगों से संवाद स्थापित करें, तो आपके द्वारा नियुक्त जो हमारे नाम और वो पूछ लें जी, आपका शुभ नाम? डिप्टी कमिश्नर चुमगिरी। आपका शुभ नाम? नाम योर नेम? पोलन जॉन जी। पोलन जॉल जी और एसपी साहब साथ में आए और आकर के इन्होंने कहा कि हमारे नागालैंड की सरकार ने हमको नियुक्त किया है कि आपको हम ये बात बता सकें कि हमारे यहाँ कैबिनेट का प्रस्ताव पारित करके आपको नागालैंड में ना आने देने के लिए आदेश जारी कर दिया गया है, तो आप कृपया नागालैंड में प्रवेश मत करिए। तो हमने इनसे पूछा कि ये बताइए कि किस कारण से हमको रोका गया है। तो इन्होंने बताया कि सरकार ऐसा समझती है कि आपके आने से और आपकी इस तरह की यात्रा का आयोजन करने से यहाँ पर अशांति उत्पन्न हो सकती है, यहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर का वातावरण है वो बिगड़ सकता है। तो हमने इनसे पूछा कि ये बताइए कि ये लॉ एंड ऑर्डर तो तब बिगड़ता है जब हमने कोई ऐसी बात कही हो जो यहाँ के निवासियों को अच्छी न लग रही हो, नागालैंड के खिलाफ, नागालैंड की सभ्यता संस्कृति के खिलाफ, नागालैंड के लोगों के खिलाफ, या नागालैंड प्रदेश के खिलाफ, या यहाँ की सरकार के खिलाफ। हमने तो किसी के खिलाफ कोई बात कही नहीं है, किसी के विरुद्ध कुछ भी एक शब्द बोले ही नहीं हैं। फिर हमने इनसे पूछा कि अगर ऐसा कोई रिकॉर्ड आपके पास हो जिसमें हम ऐसा कुछ कहते हों, या लिखा हो या पढ़ा हो, कुछ भी आपके पास हो जो नागालैंड के विरुद्ध हमारे द्वारा व्यक्त किया गया हो किसी भी फॉर्म में, तो वो आप हमको रिकॉर्ड पर हो तो दिखा दीजिए। तो इन्होंने कहा ऐसा कुछ हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो हमने कहा जब ऐसा कुछ उपलब्ध ही नहीं है तो फिर किस आधार पर नागालैंड की सरकार हमको यहाँ पर आने से और यहाँ के लोगों से संवाद स्थापित करने से रोक रही है? भारत का नागरिक होने के नाते भारत के प्रत्येक प्रदेश में, प्रत्येक प्रदेश के निवासी को जाने का अधिकार है। नागालैंड के जो लोग हैं वो पूरे देश में निर्बाध रूप से किसी भी जगह जा सकते हैं, ठीक उसी तरह से किसी और प्रदेश का व्यक्ति नागालैंड में आकर के अच्छा कार्य कर सकता है। तो हमको बताया जाए, तो इन्होंने कहा कि ऐसी कोई जानकारी तो नहीं है, लेकिन चूंकि आदेश है इसीलिए हम आपको रोक रहे हैं। तो हमने इनको कहा कि बिना कारण के आदेश नहीं हो सकता है, कोई तो कारण होगा, वो कारण हमको बताया जाए। इन्होंने कहा कि कारण हमको जानकारी में नहीं है, आदेश हमारे पास है, उसका कंप्लायंस करने के लिए हम खड़े हुए हैं। तो हमने इनसे कहा कि हमको मुख्यमंत्री जी से बात कराइए, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या कारण है। हम यहाँ पर आए हैं तो हमारा जो पक्ष है उसको नागालैंड की सरकार ने नहीं सुना। उनको चाहिए था कि हमारे ऊपर रोक लगाने से पहले हमसे कंसल्ट कर लेते, बात कर लेते, तो हम अपनी बात बताते। अगर हमारी बात ऐसी होती जिससे के कारण कुछ अशांति उत्पन्न होने वाली बात होती तब हमारे ऊपर रोक लगाना न्याय संगत होता, लेकिन हमने तो ऐसी कोई बात कही ही नहीं और हमारा पक्ष सुना ही नहीं गया, केवल कल्पना करके कि वो आएंगे तो अशांति हो जाएगी और हमारे ऊपर रोक लगा दी गई। हम समझते हैं कि यह हमारे ऊपर अत्याचार है, इसीलिए हम इनसे बार बार अनुरोध कर रहे थे, आपके एसपी साहब से, आपके कमिश्नर साहब से, कि किसी तरह से हमारी बात मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाइए और वो हमको बताएं कि आखिर क्या कारण है। जहाँ तक हमारा प्रश्न है, हम आपको मुख्यमंत्री जी बताना चाहते हैं कि हम राजनीति में नहीं हैं, हम अपनी बात करते हैं,
सनातन धर्म के होने के नाते सनातन धर्म की बात करते हैं, वो हमारा अधिकार भी है और हमारा कर्तव्य भी है। तो लेकिन हम किसी के ऊपर अपनी भावना, अपने जो नियम हैं उनको थोपते नहीं हैं, किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती करते नहीं हैं, नागालैंड के विरुद्ध हमने कुछ बोला नहीं है। तो ऐसे में नागालैंड में हमारे प्रवेश पर आपने कैबिनेट की बैठक बुला करके रोक लगा दी, ये हमको नहीं उचित लगता है। तो हम चाहेंगे कि या तो आप हमको कहिए कि आप नागालैंड आओ, ऐसी कोई बात आप उसमें शर्त लगा दीजिए कि ऐसी कोई बात नहीं कहना जिससे अशांति हो जाए, वो तो हमको ठीक लगता है। अगर आप ऐसा प्रस्ताव कुछ पारित करते और हमको सूचित करते कि आइए आपका स्वागत है, आने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसी कोई बात मत करिएगा कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाए, तब हम आपको समझते कि आप अपने प्रदेश की का पक्ष लेकर के सही निर्णय कर रहे हैं। तो आप आगे के लिए या तो हमको कहिए कि आप आओ, शर्त जो आपको लगानी हो लगा दीजिए, और या तो फिर आप हमको कारण बताओ कि आखिर ऐसा क्या कारण है। जब हमने नागालैंड के विरुद्ध कुछ भी ना तो कहा, ना तो किया, ना तो लिखा, ना तो पढ़ा, ना तो सपने में सोचा, तो फिर आपने नागालैंड में हमारे प्रवेश पर क्यों रोक लगा दी? ये हमारे साथ आप अन्याय कर रहे हैं, और आप तो मुख्यमंत्री के पद पर हैं, नागालैंड की जनता ने आपको वहाँ पर बैठाया है, तो सब लोग ये सोचते हैं कि भाई जिम्मेदार पद पर कोई बैठा है तो वो न्याय करेगा। तो आप हमारे साथ अन्याय मत करिए, हमारे साथ न्याय करिए, यही अनुरोध हम करना चाहते हैं। हम चाहते थे कि हम जब तक यहाँ बैठे हैं आपसे हमारी बात हो, लेकिन आपके अधिकारी संकोच कर रहे हैं कि हम कैसे सीधे CM साहब को कहें। तो ठीक है, अब उनका अपना संकोच है, हम उनको भी धर्म संकट में नहीं डालना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ से अभी प्रस्थान करेंगे, लेकिन इस आशा से करेंगे कि आप हमको एक हफ्ते के भीतर, एक सप्ताह के भीतर जवाब देंगे। जो भी आपका जवाब होगा उसके आधार पर हम आगे का कार्यक्रम सुनिश्चित करेंगे, और नहीं तो दोबारा आएंगे, ऐसी क्या बात है। किसी को बलपूर्वक नहीं रोका जा सकता, और हम भी जो चाहते हैं कि गौ हत्या रुके, बलपूर्वक नहीं रोकना चाहते हैं, हम तो बैठ करके उसका रास्ता निकालना चाहते हैं। तो ये बल वाला जो रास्ता आप अपना रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, प्यार मोहब्बत वाला रास्ता निकालिए। हम बैठे, आप बैठे, यहाँ की जनता बैठे, हम लोग चर्चा करेंगे और देख लीजिएगा कि निष्कर्ष निकल जाएगा। ये गाय का जो मुद्दा है, आपके ऑफिसर ने हमको बताया है कि हम लोग इसको बहुत संवेदनशील मुद्दा मानते हैं, तो हमने उनसे पूछा कि संवेदनशील मुद्दों को क्या बनाए रखना चाहिए, कि उनको समाधान उनका ले लेना चाहिए, सॉल्व कर देना चाहिए। उन्होंने कहा सॉल्व करना अच्छा है, हम भी यही मानते हैं। तो अगर कोई संवेदनशील मुद्दा है तो उसको समाधान की तरफ ले जाने में अपने लोग प्रयास करें, हम अपनी तरफ से पूरा आपको सहयोग करने के लिए, यहाँ के लोगों से चर्चा करके रास्ता निकालने के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं कि इस बारे में आप भी पहल करें, और आपका इससे यश भी बढ़ेगा, और ये जो सदा सदा के लिए समस्या बनी हुई है, बर्निंग इश्यू बना हुआ है, संवेदनशीलता बनी हुई है, रोज मारकाट मची हुई है, लोग एक दूसरे इस पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, ये परिस्थिति दूर होगी तभी देश का भी और प्रदेश का भी और हम सबका कल्याण होगा। तो हम चाहते हैं आप सामने होते या टेलीफोन में आते तो हम आपसे बात करते, लेकिन वो मौका तो हमको नहीं मिल पा रहा है। कोई बात नहीं है, इस वीडियो के माध्यम से हम अपनी बात आपको कह रहे हैं, और ये प्रतीक रूप में ये देखिए, ये गौ माता का हमारा ध्वज है, गौ माता राष्ट्र माता इसमें लिखा हुआ है। यहाँ पर हम देखिए नागालैंड की धरती पर तो हम ही हैं, और ये ध्वजा भी फहरा ही रहे हैं, तो प्रतीक रूप से ये कार्य करके, और ये जो ध्वज यहाँ हम प्रतीक रूप में भी फहरा रहे हैं, ये किसी के विरोध में नहीं फहरा रहे हैं। ऐसा मत समझिए कि नागालैंड की जनता के विरोध में हम फहरा रहे हैं, हम ये फहरा रहे हैं अपनी आस्था के कारण, और अपनी आस्था व्यक्त करने का सबको अधिकार है। और जब नागालैंड की जनता से हमारी बात होगी तो हमको भरोसा है, क्योंकि हमने अध्ययन किया है, हमने कई चीज़ें समझी हैं, तो हमको भरोसा है कि इसमें जब बैठेंगे अच्छे मन से तो इसमें रास्ता निकलेगा, और ये समस्या सदा सदा के लिए सुलझ जाएगी। आपके अभ्युदय के लिए, आपके और उत्तम भविष्य के लिए अपने तरफ से शुभकामना व्यक्त कर रहे हैं। पूरे नागालैंड के लोग सुखी, समृद्ध और शांत जीवन जिए, इसकी कामना कर रहे हैं, और अब हम यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं, लेकिन एक हफ्ते के भीतर आपसे हम जवाब की जरूर उम्मीद कर रहे हैं। हमको भरोसा है कि आप हमारी बातों को ठीक से समझेंगे और कोई युक्तिसंगत उत्तर हमको देंगे, ताकि हम उसके अनुसार नागालैंड के और आपके बारे में आगे कोई भी निर्धारण कर सकें।
नारायण। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।